1422 वर्ष बाद सौ प्रथम वक्त माताजी प्रागट्य दिवस की उजवणी करवामां आवी हती। आज दिवसे राजा विक्रमादित्य माताजी ने कोयल डूंगरे थी उज्जैन लाया था, त्यारे आ प्रागट्य दिवस राजपीपळा खाते उजवामां आवी रह्यो छे, जेमां माताजी ने अन्नकूट नो प्रसाद पण धरावामां आव्यो हतो अने 11 जोड़ा साथ महानवचंडी यज्ञ नुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। माँ हरसिद्धि जगतजननी हरसिद्धि आजे फागणवद त्रीज कोयला डूंगर मुकामे प्रागट्य दिवस है। कोयला डूंगर माताजी आजना दिवसे प्रागट्य थेलू त्यांथी उज्जैन महाराजा वीर विक्रमादित्य महाराजा एमने उज्जैन पोतानी साथे भक्ति थी प्रसन्न करीने लई जाय छे। त्यांथी राजपीपळा स्टेटना महाराजा श्री वैरीसालजी आजथी 418 वर्ष पूर्वे उज्जैन थी पोतानी भक्ति थी प्रसन्न करीने माताजी ने राजपीपळा मुकामे लावेला। त्यारथी आज सुधी में 418 वर्षथी माँ हरसिद्धिनुं जागतुं एक सरस मंदिर राजपीपळा मुकामे थई रह्युं छे। आटला वर्षोमां प्रथमवार आपणे राजपीपळा हरसिद्धि मुकामे माँ हरसिद्धिनो प्रागट्य दिवस धामधूमथी उजवी रह्या छे। हूँ एक माताजीनो भक्त छूँ, माताजीना दर्शन रोज सवार सांज करूँ छूँ, माताजीना दर्शन अने माताजी कहीने जे कंई आपणे प्रेरणा करीए मांगीए ए माताजी कहता पहेला ज आपी दे छे आपणने। खाली आपणे विचार करें ने विचार करता हाथे माताजी आपी दे। अने माताजीनुं मेन स्थान उज्जैन नगरी छे। उज्जैन नगरीमां कृष्ण भगवाने माताजीने प्रागट्य कर्या हता नवचंडी हवन करीने, अने त्यांथी राजा विक्रमादित्य माताजीने उज्जैन कोयला डूंगरथी उज्जैन लई गया था, अने उज्जैनथी माँ हरसिद्धि राजपीपळाना महाराजा वैरीसालजी महाराज जोड़े नानपणना बाळहट करी थी माताजी अमार जोड़े केम ना आवे, अने माताजी एमनी जोड़े प्रसन्न थया था, अने माताजी राजपीपळामां बिराजेला छे, माताजी एमना जोड़े हाजर हाजूर आवेला अने माताजी दरेकना कार्य पूरा करे छे। तो अमे अहींया दर्शन माटे आव्या छे, अमने आजे घणी खुशी थई माताजीना दर्शन माटे करीने, अने अहींया लगभग अमे अवारनवार आवीए छीए अने अंबाजी पण जईए छीए। अंबाजीमां अहींया घणी एवुं छे के જે મોહનથાનો પ્રસાદ આપવામાં આવે છે એ વર્ષોથી ચાલે છે ને અમે લોકો દર વર્ષે પ્રસાદી લઈને જ જઈએ છીએ, અને હમણાં જે અંબાજીમાં મોહનથાનો પ્રસાદ આપવામાં આવતો હતો એ બંધ કરી અને ચીકીનો પ્રસાદ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે। એ જો ચીકીનો પ્રસાદ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે પણ માતાજીને હંમેશા મોહનથાળનો પ્રસાદ ધરવામાં આવે છે। અત્યાર સુધીના સમાચાર, વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો નિર્વાણ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।